क्या कहलाता है मैं, बस यही सोच रही है और इस पर मंथन कर रही है हमारी नायरा कि उसका ये रिश्ता इस परिवार के साथ, इस घर के साथ क्या कहलाता है। तभी तो घर से निकल चुके हैं ये लोग पिकनिक के लिए, लेकिन वो जो निगाहें हैं ना, जो आखिरी बार अपने घर को देख रही है, उफ ये कातिलाना जो सिचुएशन है दिल को घायल करके जाएगी। कौन टाल सकता है और साथ ही जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। जो इस दुनिया में आया है वो कभी न कभी तो जाएगा ही। अब इस सीन को ही देख लीजिए जहाँ पर नायरा अपने ससुराल को आखिरी बार निहार रही है। हाँ कार्तिक आई, बस एक आखिरी बार घर को अच्छे से देख लूं। की चौखट उसने लांघी और वो दरवाजा बंद कर रही है, लेकिन दरवाजा भी नहीं चाहता है कि नायरा इस घर को छोड़कर जाए। तभी तो उसने इशारा दिया नायरा को ना जाने का। खुशी का माहौल है, सभी मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं। कुछ दिनों से जो इनके बीच में दरार आ गई थी, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, वो रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है और ऐसा हुआ है नायरा की वजह से। फैमिली में इश्यूज होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि अभी हमारे फैमिली में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ही चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, तो कार्तिक और नायरा की कोशिश वही है कि बस कैसे भी करके उसे ठीक करना है, पूरे परिवार को एक करना है। नाइस क्रिसमसी आउटफिट, ऑल द मेन आर इन रेड एंड ब्लैक एंड द वुमेन आर इन व्हाइट, सो व्हाइट एंड रेड रेड एंड ब्लैक, सो दैट्स द होल क्रिसमस फील टू इट। क्रिसमस पार्टी के दौरान ही पूरा परिवार एक बार फिर से मिल गया और साथ ही नायरा और कार्तिक ने एक दूसरे को प्यारा सा तोहफा भी दिया। करते हैं आगे आने वाली कहानी की। ये बस जिसमें बैठकर सभी पिकनिक पर जा रहे हैं, ये बस सीधे खाई में गिर जाएगी। घर वालों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन घर वालों की जान यानी कि नायरा को बहुत कुछ हो जाएगा, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आगे की कहानी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि नायरा मर जाएगी या उसका पुनर्जन्म होगा या फिर वो रूप बदल कर आएगी, इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी नायरा किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।